जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए मसले के हल के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो पहले आपको प्रॉब्लम बता दें और फिर उसका फटाफट से आपको सलूशन बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर किसी को किसी चीज़ की डायग्राम चाहिए हो तो मैं वो भी अपडेट कर देता होता हूँ, सिर्फ आपने कॉमेंट करना है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि इसमें फॉल्ट ये है कि इसमें साउंड नहीं आ रहा, ठीक है। इसका रिंगर भी ठीक है और फिर भी इसमें साउंड नहीं आ रहा। मैंने रिंगर रिप्लेस करके भी देखा बट साउंड नहीं आ रहा, तो फिर इसको ट्रैक कैसे करेंगे मैं वो भी बताता हूँ। इसकी बोर्नियो में भी डायग्राम मौजूद नहीं है और इसकी नेट पे भी डिटेलिंग नहीं थी, तो मैंने कहा क्यों ना इस फॉल्ट को आपके साथ शेयर किया जाए और आपको इसका हल बताया जाए। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमन कर दिएगा और चलिए हम फॉल्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये पहले बैटरी पॉइंट उतार दी है और इसको सारा पहले हम असेंबल कर लेते हैं, सॉरी डिसेंबल कर लेते हैं। और ये थ्री स्क्रूस हैं इसमें लगे हुए हैं, तो वो आप भी उतार सकते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने उतार लिया। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका रिंगर चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे तो मैं वो भी बताता हूँ। एक मल्टीमीटर आपको चलाना आना चाहिए, नहीं आता तो वो भी आप मुझे कमेंट करें, मैं साथ इसकी भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो बजर मोड पे आपने इसको रखना है, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ दोस्तों और एक पॉइंट यहाँ, ये देखें दोस्तों, ये इसके प्लस का पॉइंट है और ये ग्राउंड का, यानी कि हमारा रिंगर ठीक है, ठीक है, ये बीप कर रहा है। तो चलते हैं हम मदरबोर्ड की तरफ, इसको मैं साइड पे रखता हूँ। तो मैंने रिंगर आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि मुझे पता था इसका रिंगर ख़राब है, पर मेरा चेक करवाना ज़रूरी था ताकि आपको चेक करना भी आए। तो ये कनेक्टिविटी यहाँ दिखा रही है, थोड़ा सा मैं आपको मीटर भी वाजिया साथ साथ दिखा दूँ, थोड़ी सी स्पेस का मसला दोस्तों, इसलिए इस तरह थोड़ा सा गड़बड़ होती है। तो ये देखें दोस्तों, ये तीन पॉइंट हमारे रिंगर के हैं, जो मैं थोड़े से आपको क्लियर करके दिखाऊं, तो फोकस ज़रा हो ले, ये फोकस हो गया। तो ये तीन पॉइंट हमारे दोस्तों, तो एक पॉइंट हमारा आ रहा है, ये दरमियान वाला पॉइंट हमारा नहीं आ रहा, और ये दरमियान वाला ही हमारा प्लस का, ये दो एक साइड से हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक और, यानी कि अब इसकी डायग्राम तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो अब हम किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमने फॉल्ट समझ लिया अपना कि रिंगर ठीक था, ये दो पॉइंट भी आ रहे हैं जबकि ये दरमियान वाला पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको पहले हम कैसे चेक करेंगे विदाउट डायग्राम, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। हमेशा कोई पॉइंट जो आ रहा हो उससे आप पहले तसल्ली कर लें कि वो कहाँ से आ रहा है। ये देखें, ये छोटी सी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस लगी है, मैंने एक प्रोप इसकी यहाँ पर रखी है, ठीक है, और दूसरे प्रोप से ये देखें, ये बीप कर रहा है, यानी कि इसके साथ से इसकी कनेक्टिविटी आ रही है। इसके साथ वाला पॉइंट चेक करते हैं तो इसकी भी कनेक्टिविटी दोस्तों आ रही है, जबकि हमारी इस पर रीडिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो मतलब कि हमें पता लगा कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा, यहाँ तक इस रेजिस्टेंस तक आ रहा है और आगे स्ट्रिप में से होता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये कैसे पता लगेगा दोस्तों कि ऊपर कौन सा वाला है, तो इसका भी एक सिंपल सा मेथड है, वही आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपके पास डायग्राम ना हो तो आपको करना है। तो एक ये वाला पॉइंट पकड़ लेते हैं हम जिस पे हमारी वैल्यू आ रही है, और एक ये जो टेस्ट पॉइंट यहाँ बना हुआ इसके साथ लगा के देखते हैं। तो ये देखें, ये इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट, तो हमें पता लग गया कि ये पॉइंट इसका जो हमारी रीडिंग आ रही है। तो दोस्तों, स्ट्रिप को हटा के देखते हैं, तो इसके साथ एक और छोटा टेस्ट पॉइंट है, तो इसकी पहले रीडिंग हम चेक कर लेते हैं। 500 से अबव होनी चाहिए तो ये हमारा रिंगर पॉइंट होगा। तो देखते हैं दोस्तों, ये देखें दोस्तों हमारी, ठहरे मैं जूम थोड़ा सा इसका कम करूं, तो 500 से अबव है तो ये हमारा रिंगर पॉइंट है, जो यहाँ पर स्ट्रिप में से यहाँ से होता हुआ आ रहा है, जो मिसिंग हो गया हुआ था, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम जंपर देते हैं और इसके बाद रिंगर को टेस्ट करते हैं। इसकी मैं सेपरेट से आपको डायग्राम भी दे दूंगा ताकि आप देख सकें और उसको हल कर सकें।
मैंने एमरजेंसी लाइट ऑन की है ताकि मैं आपको दिखा दूं कि फॉल्ट हमारा निकल गया है तो कि नहीं निकला। तो दोस्तों इस पे रीडिंग आ गई है, जल्दी से हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। ये दोनों मैं इसलिए चेक कर रहा था साथ लगा के प्रॉप्स, क्योंकि एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगे। बिल्कुल बड़ी एग्जाम्पल लगाया था जिस रेजिस्टेंस पे, तो मैं इसकी सेपरेट से डायग्राम साइड पे दे दूंगा, आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने ये टांका कहाँ से कैसे लगाया। तो फिलहाल अभी इसको हम टेस्ट करते हैं और अपना टाइम बचाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें साउंड आ गया है क्योंकि वाईफाई नहीं है, लाइट चली गई, तो मैंने कहा चलो फिर भी शायद चल जाए। तो इसका फॉल्ट हमने रिपेयर कर लिया है। तो चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फी मानिला।